मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चलते चुनाव को रुकवाने का पाप कांग्रेस ने किया है। हम लोगों की तैयारी पूरी हो गई थी, हम मैदान में जा रहे थे, कांग्रेस पराजय के डर से कोर्ट चली गई और इतना बड़ा महापाप किया कि उसी के कारण ओबीसी का आरक्षण रुक गया। कांग्रेस थी जो चलते चुनाव को रुकवाने का पाप कांग्रेस ने किया। अगर हम लोगों की तैयारी पूरी हो गई थी, हम लोग तो मैदान में जा रहे थे, कांग्रेस पराजय के डर से चली गई कोर्ट और इतना बड़ा महापाप किया कि उसी के कारण ओबीसी का आरक्षण रुक गया और अंततः हम लोगों ने प्रयत्न किए कि ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव हो। और इसलिए वो एक स्टेज आई थी कि जिसमें चुनाव स्थगित हुए, लेकिन हमने ईमानदार प्रयास किया। मैं आपको टॉकिंग पॉइंट्स के रूप में ये चीजें कह रहा हूं। तीन तीन मुख्यमंत्री कांग्रेस ने नहीं दिए, भारतीय जनता पार्टी ने दिए, इनने तो ओबीसी के किसी आदमी को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, लेकिन षड्यंत्र और महापाप कांग्रेस ने किया है। तो एक इनके इस पाप का पर्दाफाश भी करना है, लेकिन दूसरी बात जो अध्यक्ष जी ने कही है, हम हर संभव प्रयास करेंगे कि ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव हो। कोई कसर छोड़नी नहीं है, आज से तैयारी जारी। हम तो हमेशा तैयार थे, पीछे तो कांग्रेस भगी, और इसलिए जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, अभी नगरी निकाय की और हमारे पंचायत के चुनाव की जो व्यवस्था पार्टी ने बना रखी है, वही व्यवस्था तत्काल काम करना प्रारंभ करेगी। तत्काल आप बैठ के करना प्रारंभ करें, नीचे तक की तैयारी प्रारंभ करें।